हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक अग्रणी माहेश्वरी आपका मेरे और आपके चैनल में बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों दोस्तों लॉकडाउन बढ़ गया है, कोई बात नहीं, बट आप अपने परिवार के साथ बेहद सुखद अनुभव कर रहे हैं, जिसके अंदर हर किसी की जरूरत का अनुभव हो रहा है। और जो पहले नहीं होता था, पत्नी कहती थी पति टाइम नहीं देता, बच्चे कहते माँ बाप टाइम नहीं देते, माता पिता कहते थे बेटा बेटी बहू सब टाइम दे, अब सब कुछ हो रहा है, तो आप उसका सदुपयोग कीजिए और काम कीजिए। दोस्तों चलिए हम अब इस वीडियो के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि अभी किस स्टॉक में ब्रेकआउट है, वो कंपनी कौन सी है और उसमें क्या पैरामीटर्स पर ब्रेकआउट आ रहा है। मीन्स अगर उसके वॉल्यूम्स है या फिर उसमें कुछ ब्रेकआउट है या फिर उसमें जो भी चीजें, हम इस वीडियो के माध्यम से आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे। आप सब इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों अगर आप हमारे साथ अकाउंट ओपन करके काम करना चाहते हैं तो आपको बस कुछ नहीं करना होता है, अकाउंट में ट्रेड करना होता है ताकि आप हमारे द्वारा दी गई जानकारी का फायदा उठा सके और काम कर सके। और आप अगर अभी तक नहीं ज्वाइन हुए टेलीग्राम पर तो नीचे टेलीग्राम चैनल के लिंक है। दोस्तों मैं दीपक अग्रवाल माहेश्वरी, एनआईएसएम इक्विटी डेरिवेटिव सर्टिफाइड, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9033618290। आप टेलीग्राम पर जाकर देख सकते हैं कि किस तरह की एक्यूरेसी डिलीवर करते हैं हम। हमारे पास बहुत सारे चैनल है जिसके अंदर हम अलग अलग चीज़ों को डिलीवर करते हैं। और हमने कल M6 में 2 बार क्रूड के कॉल दिए, दे आर हिटेड कॉपर गोल्ड, बहुत सारी चीजें दी हम, इवन ओपन टारगेट कॉल भी देते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उसका सदुपयोग कर सकते हैं। चलिए हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो स्टॉक कौन सा है। तो वो स्टॉक कौन सा है उसको हम बाद में डिस्क्राइब करेंगे, बट पहले हम आपके साथ ये डिस्कस करना चाहते हैं कि इसका, ये देखिए ये जो है यहाँ पर आया है, मैंने पर्टिकुलर डे वाइज PNG डे वाइज और वीकली और मंथली वाइज सेव कर रखी है ताकि आप इसको थोड़ा समय दें और समझने की कोशिश करें। देखिए दोस्तों डेली चार्ट पर आप देख रहे हो कि ये स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दे दिया आपको विद अ वॉल्यूम्स, वॉल्यूम्स आप देख रहे हो कंसेक्यूटिव, ये तो बहुत वेरी लेस वॉल्यूम था, बहुत वेरी थिन वॉल्यूम्स, और नेक्स्ट डे उसने दिया और आज के दिन में उसने बहुत अच्छा सपोर्ट नीचे इस हाईएस्ट मूविंग एवरेज पर क्रिएट किया और उसके पास उसने बाउंस किया। इवन वो एक नहीं दो नहीं तीन तीन मूविंग एवरेज पर सॉलिड डेली बेसिस पर टिकने को तैयार हो गया। साथ में आप इसको डेली वीक डे का ब्रेकआउट भी मान सकते हैं यहाँ पर। और ये जो एक रेंज स्पेसिफिक है इस स्टॉक में, दोस्तों मुझे लगता है कि आप इस चीज़ को जरूर गौर से और समझने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि समझने से ही मार्केट में पैसा बनेगा। और अगर आपको पैसा बनाना है, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो शॉर्ट टर्म हो डे ट्रेडिंग में, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी ही पड़ेगी। अदरवाइज आप ये सोचेंगे अरे ये बोल रहा है, पर बोलने के लिए जिस जिस क्वांटिटी में मैं डिलीवर करता हूँ अपनी चीज़ों को 90% एक्यूरी के साथ, तो उसमें मेहनत लगती है। और जरूरी नहीं है हर चीज़ पास हो, क्योंकि कोई भी यहाँ पर महात्मा नहीं पैदा हुआ। तो 90% 80% 85% 100% जो भी आपकी एक्यूरेसी, आप उस पर काम कर सकते हो। बट ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो, दिस इज वन काइंड ऑफ रेंज, और इस रेंज को उसने क्रॉस किया है। अगर नीचे भी मिलता है तो इट इज मोर बेनिफिशियरी कि हम यहाँ पर कहीं पर अक्यूमुलेट कर पाए तो क्या होगा। चलिए तो पहले तो हमने देखा कि इसने डे पर ब्रेकआउट दिया है, कुछ मूविंग एवरेजों को रिस्पेक्ट किया है, कल हो सकता है भारी गिरावट देखने को मिले। बट मार्केट में अगर हमें कल टिकना है तो क्या करना होगा। साथ में देखिए वीकली चार्ट यहाँ पर आपको शो कर रहा है, वीकली चार्ट पर आप देखेंगे वॉल्यूम्स है। इवन आप देखेंगे कि देखिए आप इसको कहेंगे कि वन काइंड ऑफ सैंडविच पैटर्न आपको यह दिखा है, इसके बहुत सारे नाम हैं, आप कुछ भी दे सकते हो। देखिए बीच में आपको एक बड़ा मिला है और वो थोड़ा सा टेढ़ा है, बट उसने उसको ऊपर की साइड क्लोज दे दिया दिस इज, और आप देख रहे हो कि ये जो स्ट्रॉन्ग मूविंग एवरेज थी उसके ऊपर उसने क्लोज दिया। बस आप यहाँ पर भी एक चीज देखने की कोशिश करेंगे तो आपको भी यहाँ पर भी एक समझ में आएगा कि भैया दिस इज वन काइंड ऑफ रेंज, जो रेंज का ब्रेकआउट है, मूविंग एवरेज के ऊपर ब्रेकआउट है, बहुत सारी चीजों का आपको यहाँ पर ये देखेंगे। दिस इज द वन काइंड ऑफ रेंज ऑफ वीकली, ये टॉप था, ये भी टॉप था, फिर वापस नीचे आया और ये टॉप को ब्रेकआउट, मतलब आपको डेली चार्ट पर ब्रेकआउट मिला, आपको वीकली चार्ट पर ब्रेकआउट मिला। अब हम जाएंगे मंथली चार्ट पर, क्या मंथली चार्ट पर ब्रेकआउट है? मंथली चार्ट पर ब्रेकआउट नहीं है, बट मंथली चार्ट पर बहुत सारी चीजें ऐसी है जो देखने की। देखिए मंथली चार्ट पर ये जो एक सपोर्ट है, ये बेहतरीन सपोर्ट है इस स्टॉक पर, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आपको बता दिया, ये देखिए वॉल्यूम्स है मंथली चार्ट पर, और ये स्टॉक यहाँ से बहुत सारे लेवल दिखा सकता है। तो ये स्टॉक में आपको क्या लेवल चाहेंगे, मैं आपको
बताने की पूरी कोशिश करूंगा। और आप जरूर इस वीडियो का अंत तक देख रहे हो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग करने से आपका कुछ नहीं जाएगा बट किसी को प्रॉफिट हुआ तो बहुत अच्छी बात है। और मैं कहूंगा प्रॉफिट तो होगा क्योंकि हम 90% एक्यूरेसी पर काम करते हैं। 10% लॉस हो सकता है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जो महात्मा पैदा हुए धरती पर या जो भी आप लोग नए लोग हैं वो कोई गलती करते ही नहीं होंगे। तो 10% इज ए जस्टिफाइबल, अगर 10% भी हुआ तो क्या होगा, 100 में से 10 कॉल माइनस जा सकते हैं, 90 कॉल विल बी अ सॉलिड रॉन्ग। ओके, सो हमने यहाँ पर आपको शेयर की। अब इस स्टॉक का नाम क्या है मैं आपको बता देता हूँ, और आपको स्टॉक के नाम के साथ साथ आपको कुछ स्टॉक की ब्रीफिंग भी कर देता हूँ कि भाई ये किस तरह की कंपनी है और ये किस तरीके का काम करती है। तो दोस्तों चलिए हम भी देख लेते हैं कि भैया क्या है इस कंपनी का सिनारियो और आपको इसको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये कंपनी है भारत फोर्ज लिमिटेड। दोस्तों आपने नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, और सुना है तो बहुत अच्छी बात है, भारत फोर्ज लिमिटेड। ओके ठीक है, चलिए हम इसके डेली चार्ट पर ही ध्यान केंद्रित करेंगे, ना कि हम इसके वीकली पर, तो डेली चार्ट पर ना कि मंथली पर। तो डेली चार्ट पर देखिए दोस्तों स्टॉक कंपनी क्या करती है वो आपको पता है कि नहीं पता है, शायद पता होगा क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पहले से होती है। दोस्तों ये एंसिलरीज होती है ना जो ऑटोमोबाइल्स कंपनी में जरूरत की चीजें लगती है उनको डिलीवर करती है, तो ये हम कहेंगे कि ये ऑटोमोटिव एंड एंसिलरीज कंपनी में काम करती है। इनका मार्केट कैप बहुत तगड़ा है और बुक वैल्यू है 121 रुपीज, जो कि बुक वैल्यू से अच्छे खासे टाइम पर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, और ज्यादा जानने की जरूरत है तो आप इसको बहुत सारे गूगल कर सकते हैं, और हम कहेंगे कि ये 2.3 मतलब 2.5 मल्टीपल्स पर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, चलिए अब इस स्टॉक के कुछ टारगेट्स डिसाइड करते हैं या टारगेट समझते हैं। दोस्तों टारगेट्स में क्या है वो सिर्फ आपको जस्ट 1 मिनट आपको देना होगा मुझे, मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा। ये मेरी भावना है कि आप अगर मेरे को काम करना है समझो तो आपको क्या इन्फॉर्मेशन पास करनी है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए मैं लेकर ही आया हूँ। आपको बस इसको भुनाने की है कि आप इसको भुना सकते हैं कि नहीं, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू, मैं किसी को फोर्स नहीं करूंगा, बट आप जरूर है कि पहले अपने यार सलाहकार परामर्श से जरा हमारा परामर्श ले ले तभी मजा आएगा। देखिए जैसे मैंने कहा कि सारी मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, आज ये 309 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है दोस्तों, और 309 रुपए के आसपास जब ये वीकली चार्ट पर आपको इसको इसने क्लोजिंग दिया है तो उसका जो नेक्स्ट सपोर्टिव मेरे को इसका जो नेक्स्ट हाई यहाँ से दिखता है वो दिखता है 340 रुपए से लेके 343 रुपए तक। ठीक है, अगर ये क्रॉस करता है दोस्तों तो आपको नेक्स्ट टारगेट आएगा 390 to 400 रुपीस। ओके, एंड द नेक्स्ट एंड प्रॉमिसिंग नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉमिसिंग टारगेट क्या होगा वो हम जरूर समझ लेते हैं। तो नेक्स्ट जो प्रॉमिसिंग टारगेट होगा अगर ये इसी तरीके से चलता रहा दोस्तों तो आपको यहाँ पर अच्छे खासे लेवल आपको देखने को मिलेंगे, और वो जो लेवल्स होंगे वो सारी जानकारी हमने आपके साथ शेयर की, अभी और भी कर रहा हूँ मैं आपको, फिर आपको 432 रुपए तक के टारगेट आएंगे। समझ लीजिए कि आपके लिए ये एक सपोर्ट है, और आप मैंने आपको एक मंथली चार्ट पर भी सपोर्ट को ध्यान केंद्रित कराया था, शायद आपने देखा होगा, दिस इज अ वेरी प्रॉमिसिंग सपोर्ट लेवल, ये सेम सपोर्ट लेवल। ओके, इसको आप ध्यान दीजिए, फिर नेक्स्ट सपोर्ट लेवल आपको ये मिलेगा जो कि यहाँ पर एक रेसिस्टेंस भी था, तो अगर मिलता है तो बात की बात है, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं। तो हम अभी ये मानते हैं कि हमें 220 रुपए से लेके 250 रुपए कि अगर रेंज फिर से मिलती है देन वी विल थिंक कि भाई हमें अक्यूमुलेट करना है कि नहीं करना, बट अभी तो हमें 400, 390 और ऊपर के टारगेट्स के लिए ट्रेड करना है जो कि मैंने आपको समझा दिया। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन बहुत बहुत हो, जय महाकाल। वीडियो को लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, हम अब इसी तरीके से आपको बहुत सारी जानकारी शेयर करेंगे। धन्यवाद।